देश भर में लाउड स्पीकर्स को लेकर एक विवाद छटा हुआ था, लेकिन जम्मू कश्मीर उससे थोड़ा सा परे था। लेकिन अब आखिरकार जम्मू कश्मीर की जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा ये पारित कर दिया गया है कि लाउड स्पीकर्स की जो ध्वनि है उसकी सीमा तय की जाएगी। इस विषय को लेकर एक रेजोल्यूशन जो है वो वार्ड नंबर 3 के पार्षद नरोत्तम शर्मा जी ने आज पटल पर रखा था, जिसे पास कर दिया गया। हमारे साथ नरोत्तम शर्मा जी मौजूद हैं। नरोत्तम जी, सबसे पहले कि किस तरह से आपके भी दिमाग में ये बात आई कि आपको ये रेजोल्यूशन तैयार करना है, और जब ये हाउस में पेश हुआ तो किस तरह से प्रतिक्रिया थी बाकी पार्षदों की और मेयर साहब की? देखिए, मैं अमित जी आपको बताऊं, बेसिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होने का यही एक जिम्मेदारी और दायित्व होता है कि समाज की चिंताओं को, समाज की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना। तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा ज्वलंत विषय था, चिंता थी। और सबसे बड़ी मुख्य बात थी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसमें एक जजमेंट दी है। तो मुझे लगता है अगर देश भर में वो जजमेंट इंप्लीमेंट हो रही है तो हमारे प्रदेश में भी होनी चाहिए। वही एक उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक आज का ये रेजोल्यूशन जो है अपने हाउस में पास करवाया है। और मुख्य रूप से हमने जो मांग की गई थी उसमें, उस रेजोल्यूशन में यही थी कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं, किसी जाति धर्म के विशेष के नहीं, सिलेक्टिव नहीं, हर एक धार्मिक स्थलों के ऊपर और इवन बैंकट हॉल के ऊपर जितने भी लाउड स्पीकर इलीगल तरीके से चल रहे हैं वो उतरने चाहिए, और बिना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन के कोई भी लाउड स्पीकर नहीं चलना चाहिए ये। और जो लाउड स्पीकर चलें उनकी एक समय सीमा तय की जाए, और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उनकी जो डेसिमल एक आवाज़ की ध्वनि की एक सीमा तय की है उसके उतनी ही सीमा रहनी चाहिए, ताकि इससे जो बीमारी उत्पन्न हो रही है वो ना हो, ताकि एक अच्छा और स्वस्थ समाज उत्पन्न हो सके। दर्शकों के लिए ये भी समझना चाहते हैं कि अब जिस तरह से यहाँ पे पारित कर दिया गया रेजोल्यूशन, अब इसके बाद प्रक्रिया क्या रहती है? क्योंकि लोग ये शायद ये सोच रहे हैं कि अब इसके बाद फौरन कल या परसों से वो लाउड स्पीकर उतरना शुरू हो जाएंगे। नहीं अमित जी, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में हमारा पहले हमारा सदन में आज ये रेजोल्यूशन जैसे पास हुआ है, कुछ ही दिनों में इसके मिनट्स बन जाएंगे। मिनट्स बन जाने के बाद मैं और ऑनरेबल मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब, हम लोग ऑनरेबल LG साहब से मिलेंगे और प्रयास किया जाएगा, कोशिश की जाएगी इस रेजोल्यूशन को ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करवाया जाए। मुख्यपथ दूसरी बात आपको बताऊँ, एक हाल ही में एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में पाया गया कि बच्चे और बुजुर्ग, उनका जो बीमार होने का एक रीज़न बहुत बड़ा नॉइज़ पोल्यूशन से हुआ था, कि उनके जो हाई इलनेस, डिप्रेशन और हाई BP, इवन हार्ट डिजीज, ये सारी जो डिजीज बीमारियां हैं जो नॉइज़ पोल्यूशन से उत्पन्न होती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर स्वास्थ्य समाज में लोगों को ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो हमारा एक जिम्मेदारी बनती है इन चीज़ों को बंद करवाना चाहिए। तो ये कानून तो पहले भी है कि बैंकेट हॉल्स में जो DJ का समय जो है वो 10 बजे तक रखा जाता है, तो यानी ये कोई नया एक विषय है या इससे पहले भी इस तरह का रहा है विषय? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट तो बहुत पुरानी है, लेकिन पहले की सरकारों ने इसको क्यों इम्प्लीमेंट नहीं किया, मैं उसकी तह तक नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ही कह रहा हूँ कि मुझे ऐसे लगता है कि हमारी एक जिम्मेदारी है कि समाज में अगर कोई प्रॉब्लम लोगों को हो रही है तो उनको राहत प्रदान की जानी चाहिए, ताकि एक स्वच्छ और साफ सुथरे समाज का निर्माण हो सके। लास्ट क्वेश्चन है कि एक धर्म विशेष ही क्यों मान रहा है कि ये जो इस तरह का फैसला है वो सिर्फ खास तौर से उन्हें ही टारगेट किया जा रहा है? देखिए, इसमें तो मैंने किसी धर्म विशेष की बात ही नहीं की, इसमें मैंने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, बैंकट हॉल, चर्च सबकी बात की है। कोई भी अगर आपको मंदिर में भी कोई लगता है कि जिसकी आवाज़ से, ध्वनि से लोग प्रभावित हो रहे हैं, लोगों को बीमारी उत्पन्न हो रही हैं, तो हम कहते हैं उसकी भी सीमा, उसकी भी आवाज़ घटनी चाहिए और उनको भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी धर्म विशेष की बात की है, तो मैं ही स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं ही जानना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो ये छोटी मानसिकता लेके अपने ऊपर ले रहे हैं, मैं कहता हूँ आप लोग समाज ही मेरा नहीं, आप सबका समाज है। अगर सबका समाज है तो हमारी सबकी जिम्मेदारी और दायित्व तो बन जाता है कि समाज के लोगों के हित में काम करें। तो मुझे लगता है आपकी जिम्मेदारी भी यही है कि स्वच्छ भारत और स्वच्छ देश का और समाज का निर्माण करें। अगर समाज में कोई ऐसी कुरीतियां हैं, कोई गलत चीज़ है, तो उसको उजागर करना चाहिए और उसको ठीक करना चाहिए, यही हमारी जिम्मेदारी और ड्यूटी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे नरोत्तम शर्मा जी। साफ तौर से यदि इसे एक कैटेगरी वाइज देखा जा रहा है कि लाउड स्पीकर्स की आवाज़ को कम करने के लिए किसी को टारगेट किया जा रहा है, तो ऐसे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो रेजोल्यूशन पास किया गया है इसमें सभी तरह के धार्मिक स्थलों पर लगे गए लाउड स्पीकर्स और बैंक्वेट हॉल्स में जो ध्वनि प्रदूषण होता है उसको लेकर एक सहसमिति से एक फैसला किया गया है कि जो इलीगल है उन्हें तो जरूर हटाया जाना चाहिए, और जो लीगल है वो भी कानून के दायरे में जिन्हें जितनी उन्हें क्षमता प्रदान की गई है उसके मुताबिक ही वो जो आवाज है उनकी हो, ताकि उसे बाकी लोगों को परेशानी ना होने पाए। फिलहाल आप जुड़े।